सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता का जो है, जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जो कई साल से पार्टी में काम कर रहे हैं और सामाजिक कामों में काफ़ी बढ़ चढ़ का हिस्सा ले उन लोगों ने लिया है और अपना पूरा जीवन समाज में काम करने में लगाया है, उनको हमने अपना पदाधिकारी बनाया है। एक तो सुशील कुमार निर्वाण जी, उनको हमने प्रदेश सचिव नियुक्त किया है किसान प्रकोष्ठ का, और दूसरे हैं भूषण त्यागी जी, भारत भूषण त्यागी जी, जिन जो काफ़ी दिन से आम आदमी पार्टी में लगे हुए हैं और काफ़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई हैं। उनको मेरठ मंडल का किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है। और जो हमारे साथी हैं उनसे ये हमारी निवेदन है कि अब वक्त ज़्यादा नहीं रहा है और सभी हमारे साथी इस काम में, इलेक्शन के काम में जुट जाएं और संगठन को आगे बढ़ाने का काम करें। 2022 के क्या मिशन है आम आदमी पार्टी का? 2022 का आम आदमी पार्टी का मिशन 304 सीटों पर सब पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और जो सुविधाएं दिल्ली में दी गई हैं, उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली सभी की माफ़ की जाएगी, फ्री दी जाएगी और अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे, उसमें अच्छे टीचर रखे जाएंगे ताकि पढ़ाई का स्तर बढ़ाया जा सके। और दिल्ली की तर्ज पर ही हॉस्पिटल हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे ताकि सबको इलाज आसानी से मिल सके। गठबंधन किसी से करेगी पार्टी या नहीं? अभी तक तो पार्टी का गठबंधन किसी से करने का कोई विचार नहीं है, फिर ये आगे हमारे जो शीर्षक नेता हैं ये उनका काम है कि आगे चल कर क्या होगा। अब ये पार्टी 304 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हाँ जी, 403 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, पूरी तैयारी चल रही है और 100 उम्मीदवार हमने अपने डिक्लेयर कर दिए हैं। जैसा कि सभी को विदित है कि आम आदमी पार्टी जो है एक समाज के सबसे वंचित से वंचित व्यक्ति को भी उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए और देश में एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत करने के लिए स्थान देती है। इसी क्रम में सुशील कुमार निर्वाण जी, बहुत कम लोगों को मालूम है कि कोरोना काल में उन्होंने कितनी लोगों की सेवा की, आप लोगों ने अखबार में भी पढ़ा होगा, आपका मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, स्थानीय समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा था। 2 करोड़ की भूमि उन्होंने, जब देखा कि शमशान में जगह नहीं रही है तो उन्होंने वो दान में दी। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेश त्यागी जी, किसान प्रकोष्ठ, इनके संज्ञान में जब ये मामला आया तो इन्होंने से आह्वान किया कि क्या आप हमारी पार्टी के साथ कार्य करना पसंद करेंगे, तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि भी मुझे भी एक ऐसी पार्टी का ही विकल्प चाहिए था और आपका मैं सहसम्मान यह ऑफर स्वीकार करता हूं। तो इसी क्रम में सुशील कुमार निर्वाण, जो यही करहेड़ा गांव के मूल निवासी हैं और समाज सेवी हैं, आज भी जो लावारिस लाशें होती हैं उसके लिए लकड़ी वगैरह उपलब्ध कराते हैं, वो समाज सेवा का बहुत अच्छा नाम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चर्चाओं में रहते हैं, पब्लिसिटी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे भी काम करते हैं। तो ऐसे सुशील कुमार निर्वाण जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि सुशील कुमार निर्वाण जी आएँ और उनको मनोनयन पत्र देकर वे टोपी उड़ाकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी महेश त्यागी जी, सुशील कुमार निर्वाण जी का स्वागत करें। महिला सभा की हमारी जिलाध्यक्ष कल्पना वर्मा जी भी पुष्प गुच्छ देकर उनको सम्मानित करें। सबसे पहले मनोनयन पत्र दे दें, मनोनयन पत्र। दोनों को आ जाएंगे, दोनों नहीं, अलग 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 अलग। आगे चेतन भाई।